नमस्ते, मेरा नाम खुशी है और आप देख रहे हैं द पंचायत। वीडियो शुरू होने से पहले हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब बढ़ते हैं रिपोर्ट की ओर। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप अभी भी बरकरार है। देश में अभी भी बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 12,729 नए मामले आए हैं। वहीं कल 221 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद अब तक मरने वालों की संख्या 4,59,473 हो गई है। जानिए देश में कोरोना वायरस की ताजा स्थिति क्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 12,165 लोग ठीक हुए हैं। देश में इस वक्त सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,48,922 है। देश में अब तक 3,37,24,959 लोग ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कल कोरोना की 5,65,276 डोज दी गई, जिसके बाद देश में अब तक 107,70,46,116 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। केरल में कोरोना वायरस संक्रमण के 7,545 मामले नए सामने आए हैं और महामारी से और 136 संक्रमितों की मौत हो गई है। राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 49.95 लाख को पार कर गए हैं, जबकि कुल मृतक संख्या 32,764 पर पहुंच चुकी है। सरकार की विज्ञप्ति में बताया गया है कि बुधवार से 5,963 और मरीज संक्रमण से उबरे हैं, जिसके बाद संक्रमण मुक्त होने वाले लोगों की तादाद 48,87,850 पर पहुंच चुकी है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।